अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया एलिमेंट्री कैनाल का. डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का. नाउ आई विल बी डीलिंग विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है, तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज. लेकिन जो स्टमक है और जो इंटेस्टाइन है, मैंने बताया था अभी जब हम वॉल लेयर देख रहे थे, टीएस देख, ट्रांसवर्स सेक्शन गट का देख रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, तो उसमें हमने देखा था कि इट इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स और बीच के इनके लेयर्स में क्या हो रहा था, ग्लैंड्स प्रेजेंट थे. ठीक है, तो स्टमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे. तो पहले हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो मेन थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उनको देखेंगे. तो दे आर नंबर वन सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है. सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर, विच इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन्स बॉडी, इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी. एंड द थर्ड इज पैंक्रियाज. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, दे सिक्रीट द जूसेस, दे सिक्रीट द एंजाइम्स विच हेल्प इन द डाइजेशन. तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, पहला हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड. हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, दे प्रेजेंट इन अवर माउथ, इन द बक्कल कैविटी. ठीक है, तो तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स कितने तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड इज, मैंने पहले भी बता रखा है, पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड्स का लोकेशन कहाँ होता है, चीक्स में. ठीक है, द कॉर्नर ऑफ द चीक्स. सेकेंड सलाइवरी ग्लैंड इज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलरी, दोनों बोलते हैं उसको, चाहे सब मैक्सिलरी बोलो या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स. दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द लोअर जॉ. ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ लोअर जॉ. ठीक है, एंड द थर्ड ग्लैंड इज सब लिंगुअल ग्लैंड. इसकी लोकेशन कहां होगी, इसकी पोजीशन कहां होगी, इसकी लोकेशन कहां होगी, बिलो द टंग. जो टंग होता है हमारा, टंग के नीचे, बिलो द टंग. लास्ट लेक्चर में मैंने टंग का स्ट्रक्चर आपसे डिटेल में डिस्कस किया था, टेस्ट बड्स, स्पेसिफाइड साइट्स फॉर द टेस्ट बड्स, वो भी बताए थे. अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे रिलीज. सलाइवरी ग्लैंड्स इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर देयर फंक्शन. तो दे सिक्रीट सलाइवा और द सलाइवरी जूस. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, दे सिक्रीट सलाइवा और ऑल्सो नोन एज द सलाइवरी जूस. ये जो सलाइवा होता है ना, जब आप कोई चीज खाने की देखते हो तो यू फील योर माउथ माउथ वाटर्स, है ना, पानी आ जाता है मुंह में. दैट वाटर, दैट पानी इज नॉट ओनली द पानी, इट इज द सलाइवा विच इज मेड अप ऑफ मेनी थिंग्स. मेन कॉम्पोजिशन इज वाटर, 98% उसमें सलाइवा में वाटर ही होता है, बट वाटर के अलावा इट कंसिस्ट ऑफ मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. सो लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा, देखते हैं सलाइवा किस किस चीज से बना होता है. सो इट इज मेड अप ऑफ, यस, वाटर. जस्ट आई टोल्ड यू कि अराउंड 98% जो है इसमें वाटर होता है. वाटर के अलावा इट इज मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, क्लोराइड आयन हुआ, बाइकार्बोनेट आयन होता है. सो बिसाइड्स दिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इज प्रेजेंट इन देम एंड दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन. ठीक है, इसमें पी साइलेंट होगा, टाइलिन. तो ये एंजाइम क्या करता है, मैंने बताया है कि डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है. जब हम कुछ खाते हैं ना,
तो जो कार्बोहाइड्रेट है माउथ में किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट को. आपको डिटेल में मैं अभी डाइजेशन के प्रोसेस में बताऊंगी, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट का कहां डाइजेशन होता है. तो माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा, जैसे हम खाना खाएंगे टीथ से क्या होगा, मैस्टिकेशन होगा, टंग हमारी जीभ उसको हेल्प करेगी जस्ट मतलब टू रोल अराउंड इन द माउथ टू एड द सलाइवरी जूस, है ना, सो दैट टू लुब्रिकेट इट. लुब्रिकेट तब करने से क्या होगा, इसका मूवमेंट जो है दैट विल बी इजी इन साइड द एलिमेंटरी कैनाल. तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है क्या करेगा, अराउंड 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन साइड द माउथ. तो इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट. तो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके नॉट द कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड. सारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, अराउंड 30% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड दे आर डाइजेस्टेड इन द माउथ. तो इट विल कन्वर्ट इन टू द कन्वर्ट दैट कार्बोहाइड्रेट इन टू द सुगर. ठीक है, तो ये हो गया. चौथा वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज लाइसोजाइम. लाइसोजाइम्स आर द एंटी बैक्टीरियल सबस्टेंसेस. अब हम जो फूड खाते हैं ना बच्चों, तो कई बार होता है फूड ओपन रहता है, फूड किसी ने गंदे हाथ से बनाया है, जो बर्तन जो बनाया गया वो बर्तन गंदा है, जिस बर्तन में परोसा गया वो बर्तन गंदा होगा. तो कहने का मतलब ये कि जो फूड आप खाते हो ना उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आ रहा है. तो जैसे ही हम फूड खाएंगे टीथ जो उसको च्यू करेगा मैस्टिकेट करेगा, तो साथ ही जो सलाइवा रिलीज होता है ना उस सलाइवा में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं. लाइसोजाइम्स आर द एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स, दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इस तरह से लाइसोजाइम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दीज आर द कॉम्पोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सलाइवा, राइट. तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट ग्लैंड इज लीवर, एंड एज आई टोल्ड यू लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ठीक है, एंड इट वेज अराउंड 1.2 टू 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन. एडल्ट में इसका वेट होता है अराउंड 1.2 टू 1.5 किलोग्राम. ठीक है, लोकेशन कहां प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. सो लेट्स सी द लोकेशन. तो लीवर जो है इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम. ठीक है, अब ये लीवर करता क्या है, लीवर क्या होगा, इट विल सिक्रीट बाइल. ठीक है ना, कहां से सिक्रीट करेगा बाइल. तो बेसिकली लीवर इट इज मेड अप ऑफ मैनी लोब्यूल्स विच आर नोन एज द हिपैटिक लोब्यूल्स. तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल्स. हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर एंड दे आर मेड अप ऑफ हिपैटिक सेल्स. These lobules, these hepatic cells, they are arranged in the form of cords. ठीक है, cords के form में arrange रहेंगे. आपके syllabus के हिसाब से actually it is not essential to draw the elaborated structure of liver. तो जितनी requirement है for your competitive point of view, examination point of view, I am discussing it here. तो hepatic lobules जो होते हैं they are made up of hepatic cells. ठीक है, हिपैटिक सेल्स कैसे होते हैं, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स. हिपैटिक सेल्स दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स एंड फॉर्म द लोब्यूल.
और ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ कवरिंग एंड दैट कवरिंग इज नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल. हिपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय अ कवरिंग एंड दैट कवरिंग इज नोन एज, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लिसन्स कैप्सूल्स. ग्लिसन्स कैप्सूल बेसिकली इनका नेचर क्या होता है, किस तरीके के टिश्यू से दे आर मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, थिन कनेक्टिव टिश्यू. ग्लिसन्स कैप्सूल दे आर मेड अप ऑफ थिन कनेक्टिव टिश्यू. इट्स द नेचर ऑफ द टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर. अब जो हिपेटिक लीवर्स हैं, लोब्यूल्स हैं, हिपेटिक सेल्स हैं, दे विल सिंथेसाइज, दे विल फॉर्म, दे विल प्रोड्यूस, दे विल सिक्रीट बाइल. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का फंक्शन क्या होगा, लीवर का फंक्शन होगा टू सिक्रीट बाइल. ठीक है, बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल विच इज एल्केलाइन इन नेचर. बाइल कैसा होता है, बाइल इज एल्केलाइन इन नेचर. ठीक है, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम. बाइल्स में एक बात आप ध्यान रखना, जैसे कि हमने यहां पे देखा सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रीट हुआ और सलाइवरा में एंजाइम है कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज और टायलिन, बट बाइल में नो एंजाइम इज प्रेजेंट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, नो एंजाइम, एंड यस इट इज एल्केलाइन. क्यों, क्योंकि जब स्टमक में फूड आता है, मैं फिर रिपीट करूंगी कि जब हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, बीच बीच में जस्ट टू रिलेट इट इज एसेंशियल टू डिस्कस विद यू दैट स्टमक में क्या होता है, HCl एसिड प्रोड्यूस होता है. उस एसिड से क्या होगा, जब जो फूड स्टमक में आएगा वो एसिडिक हो जाएगा. अब लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है ना, तो उसमें क्या होता है, लीवर और अवयव पैंक्रियास से जो जूसेस निकलते हैं, जो सेक्रीशन होता है, उसको उन फूड पे एक्ट करना होता है डाइजेशन के लिए. लेकिन जो जो पैंक्रियास के जो एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही डाइजेस्ट कर पाएंगे. राइट, एल्कलाइन मीडियम में ही फूड को ब्रेक कर पाएंगे, लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स को दे विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर ब्रेक डाउन इन द एल्कलाइन मीडियम. मींस वो एल्कलाइन मीडियम में ही एक्टिव होंगे. पैंक्रियाटिक जूस के जितने भी एंजाइम्स होंगे दे विल रिक्वायर द एल्कलाइन मीडियम टू एक्ट अपॉन ऑन दो सब्सटेंसेस. राइट, तो ये एल्कलाइन मीडियम कैसे आएगा, क्योंकि स्टमक से तो फूड इंटेस्टाइन में आया, उस समय तो एसिडिक होगा फूड, तो उस फूड को, एसिडिक फूड को एल्कलाइन करने के लिए क्या होगा, ये बाइल ऐड होगा फूड में जो लीवर से सिक्रीट हुआ है. राइट, तो अब बाइल में क्या हो रहा है, कोई एंजाइम नहीं है एंड बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर. बाइल इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. जो बाइल है ये दो पार्ट से बनता है. बाइल इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स. बाइल जूस एंड बाइल पिगमेंट. एंड बाइल पिगमेंट्स. बाइल जूस में क्या होगा, बाइल जूस इट कंसिस्ट ऑफ द बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, बाइल जूस में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स. और बाइल पिगमेंट्स आपने सुना है होगा बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन. टू टाइप्स ऑफ द बाइल पिगमेंट्स आर देयर, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन. ऑरेंज येलो कलर पिगमेंट्स आर देयर. कभी कभी आप देखते हो वोमिटिंग होती है, खाली पेट आप रहते हो तो आपको येलो कलर का मतलब वोमिटिंग होती है, खाली पेट रहेगा वो बाइल होता है बेसिकली. तो येलो एंड ऑरेंज कलर प्रेजेंट होता है. नाउ ये तो हो गया लीवर का फंक्शन, टू सिक्रीट बाइल, टू सिक्रीट द बाइल. और बाइल जो लीवर जो सिक्रीट करेगा ना, अब ये बाइल जो है ये टेम्पोरली कहां पे जाकर स्टोर होता है, पहले तो 5 times ये कंसेंट्रेट होगा. ठीक है, और उसके बाद इट विल स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. बाइल जो यहां से सिक्रीट हो रहा है लीवर से, दिस बाइल विल बी स्टोर्ड टेम्पोरली इन गॉल ब्लैडर. स्टोर्ड टेम्पोरली इन गॉल ब्लैडर में
स्टोर हो जाएगा बाइल, ठीक है। और लेकिन पहले वो 5 टाइम कंसंट्रेट होगा फिर स्टोर होगा। नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ बाइल। अभी तो हमने देखा लीवर का फंक्शन क्या है, नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का क्या क्या फंक्शन होता है? तो पहला फंक्शन तो है बाइल जो है वो एसिडिक फूड, जो मैंने भी बताया आपको कि जो स्टमक से एसिडिक फूड आता है उसको एल्कलाइन बनाता है। क्यों बनाता है एल्कलाइन? जिससे कि पेंक्रियाटिक एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर सके, पेंक्रियाटिक एंजाइम उसको ब्रेक कर सके, कैन एक्ट अपॉन दोज फूड, ठीक है। बाइल कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड इनटू द एल्कलाइन फूड फॉर द एक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक juices or the pancreatic enzyme. So the first function is the conversion of acidic food into alkaline food. ठीक है। Second function क्या होगा? जो fat होता है ना, जब mouth में तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का digestion start हो गया, stomach में protein का digestion होता है, fat का digestion कहाँ होगा? फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन इसका होता है जो, और फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, तो पहले क्या होगा दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फैट लोब्यूल्स। तो सेकेंड फंक्शन क्या होगा? बाइल जो होगा, पहले बाइल जो होता है ना फैट मॉलिक्यूल्स को, फैट को ब्रेक करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स और द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स और यू कैन से स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। मतलब मान लो कि ये आपका ये इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पे बाइल आया, बाइल ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और इसको छोटे छोटे ऐसे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया। तीसरा फंक्शन बाइल का क्या होता है? एक्टिवेट्स लाइपेजेस। बाइल जो है इट एक्टिवेट्स द एंजाइम लाइपेजेस। ये लाइपेजेस एंजाइम ही है जो बाद में फैट ग्लोब्यूल्स पे एक्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, राइट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल। अब एक हम ये देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द ड्यूडेनम, द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास कैसे आपस में ये रिलेटेड रहते हैं। एक मिनट, तब उसके पहले हम थोड़ा पेंक्रियास का देख लेते हैं, पेंक्रियास का सिक्रेशन। कि पेंक्रियास जो होता है इट इज अ कंपाउंड एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट, इसका लोकेशन कहाँ होगा? जो सी शेप ड्यूडेनम होता है ना, उसकी जो सी की जो दो लिंब होती है, इस तरीके से सी शेप ड्यूडेनम होता है ना, आपने स्टमक के नीचे ड्यूडेनम देखा था, यहां पे पेंक्रियास प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द सी शेप ड्यूडेनम, ठीक है। सो पेंक्रियास इट इज अ कंपाउंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लोकेशन वेयर इज इट्स लोकेशन इन बिटवीन द टू लिम्स ऑफ ड्यूडेनम, राइट। अब पैंक्रियाज जो होता है इट एक्ट्स बोथ लाइक एन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज इज अ मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं पेंक्रियाज को? बिकॉज इट एक्ट्स बोथ लाइक एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इट एक्ट्स बोथ
लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड की रोल में, जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करता है उस दौरान इट सिक्रीट्स पेंक्रियाज, जो है पेंक्रियाज, इट सिक्रीट्स एल्केलाइन पेंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स. ठीक है, तो इट सिक्रीट्स एल्केलाइन एल्केलाइन पेंक्रियाटिक जूस विच सिक्रीट्स एंजाइम. ठीक है, अब यही एंजाइम जो होता है जो फाइनल डाइजेशन करता है. और इंटेस्टाइन एंडोक्राइन ग्लैंड के रोल में ये क्या सिक्रीट करेगा? इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स, दो हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, एंड दीज टू हार्मोन्स आर, नंबर वन इज इंसुलिन, ओके, एंड द सेकेंड हार्मोन इज ग्लूकेगॉन. सो इट सिक्रीट्स टू हार्मोन्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट्स सी द डक्ट सिस्टम ऑफ, लेट्स सी द डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज. अब हम देखेंगे कि मैंने यहां बताया गॉल ब्लैडर के बारे में, बताया लीवर और पेंक्रियाज, ये आपस में कैसे रिलेटेड है. एक्चुअली मैंने आपको बताया कुछ जो लीवर से जो सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि बाइल जो सिक्रीट हो रहा है, वो पहले कहां स्टोर हो रहा है? पहले वो कंसंट्रेट हो रहा है, अराउंड 5 times कंसंट्रेट होगा लीवर से जो सिक्रीशन होगा, बाइल निकलेगा. उसके बाद इट विल स्टोर्ड टेम्पोरेली इन द गॉल ब्लैडर, फिर गॉल ब्लैडर से जो बाइल है ये कहां जाएगा? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में. और साथ ही पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होंगे, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला जो रोल प्ले करेगा जब वो, तो ये जूस भी कहां जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन ये दोनों, बाइल और पेंक्रियाटिक जूस, ये एक कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर, द डक्ट सिस्टम. सपोज दिस इज द, ये मैंने ड्रॉ किया यहां पे, दिस इज द सी शेप्ड ड्यूडेनम आई हैव ड्रॉन हियर. ठीक है, अब इस ड्यूडेनम से के बीच में क्या है? पेंक्रियास प्रेजेंट है. तो दिस इज द पेंक्रियास, एंड दिस पेंक्रियास इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ पेंक्रियाटिक ठीक है. अब यहां से आप देखोगे कि एक डक्ट निकल रहा है विच इज कनेक्टेड विद द गॉल ब्लैडर एंड लीवर. इस तरीके से ये डक्ट यहां से निकलेगा एंड इट इज कनेक्टेड विद द दिस डक्ट इज कनेक्टेड विद द गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो दिस इज गॉल ब्लैडर. This is duodenum. This is duodenum. अब ये यहां से आप देखोगे लीवर से सिक्रीशन आ रहा है. This secretion is coming from the लीवर. ठीक है,
तो ये जो लीवर से सिक्रीशन आ रहा है, जिस डक्ट के थ्रू सिक्रीशन लीवर से आ रहा है उसको हम बोलेंगे हिपेटिक डक्ट. दिस इज द डक्ट फ्रॉम द लीवर. डक्ट फ्रॉम लीवर, इस डक्ट को क्या बोलेंगे? हिपेटिक डक्ट. ठीक है. और ये कहां जा रहा है? लीवर से आकर के इट इज, इसको हम यहां पे, ये जो डक्ट आ रहा है जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आ रहा है वो उसको बोलेंगे डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर और द सिस्टिक डक्ट. तो यहां से जो डक्ट आ रहा है, दिस इज द डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट. ठीक है. डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टिक डक्ट. अब ये दोनों जो है मिल करके एक कॉमन डक्ट से जो है बाइल जूस को कहां ले जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ. दिस इज कॉमन. अब एक कॉमन बाइल डक्ट इन्होंने फॉर्म कर लिया. दोनों का सिक्रेशन एक कॉमन बाइल डक्ट से आ रहा है. अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है इट विल कनेक्ट विद द, इट विल अटैच विद द पेंक्रियाटिक डक्ट. अब ये पेंक्रियास से जो डक्ट यहां पे अटैच्ड है ना, दिस इज, ये क्या है? पेंक्रियाटिक डक्ट. पेंक्रियास से जो डक्ट निकल रहा है इट इज पेंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. अब यहां पे इसके बाद जहां पे ये गॉल कॉमन बाइल डक्ट ऐड हुआ, अटैच हुआ विद द पेंक्रियाटिक डक्ट, अब इसको हम क्या बोलेंगे? हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट. अब ये क्या हुआ? दिस डक्ट, नाउ दिस रीजन इज नोन एज हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट. तो जो बाइल है, फाइनली बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस वो दोनों एक हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, कॉमन हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू दे विल एंटर इनसाइड इट इनटू द, दे विल एंटर टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम. तो कहां पे ये एंटर कर रहे हैं? नाउ दे आर एंटरिंग इनसाइड द ड्यूडेनम. सो दिस इज द डक्ट सिस्टम. ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास. नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन.